ऐसा कहा जाता है कि जैसे जब सर्दियाँ होती हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। उससे क्या होता है, जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने साइज में बढ़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ क्लोज्ड स्पेसेस होते हैं जैसे जॉइंट्स हैं, तो उन जगह पे जब वो बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है और वहाँ पे सूजन डेवलप होती है और दर्द भी साथ में आता है। तो ये एक बड़ी वजह बोली जाती है जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द सर्दियों में ज़्यादा कॉमन होते हैं। और भी कई सारी चीज़ें बोली जाती हैं, जैसे कि एक्टिविटी कम हो जाती है तो वजन बढ़ जाता है, एक्सरसाइज मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं पहले से तो वो मोस्टली सर्दी की वजह से बंद कर देते लोग। और एक बात ये भी बोली जाती है कि क्योंकि सर्दियों में जो आपकी पेरिफेरीज होती हैं जैसे हाथ हैं फीट हैं, वहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है और मेन जो विसरा रहता है हमारा वहाँ की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो इन सब वजहों की वजह से सर्दियों में जोड़ों का दर्द कॉमन होता है या बढ़ जाता है। हाँ, तो किसी भी उम्र में इंसान जोड़ों के दर्द से ग्रसित हो सकता है। अलग अलग उम्र में अलग अलग बीमारियाँ हो सकती हैं। और रोकथाम के लिए जब एक तो ये है कि भी हमारी जो बीमारी है पहले से जो आइडेंटिफाइड है उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको समय से लेते रहें और उसको बंद नहीं करना है। साथ में अगर हमारे जोड़ों का दर्द बढ़ रहा है तो हम कुछ लोकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि उस एरिया में सिकाई कर सकते हैं जिससे उस एरिया में हीट पहुँचे जहाँ पे कि आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है। तो आर्थराइटिस का मतलब बेसिकली होता है कि हमारे जोड़ों का घिस जाना, किसी भी वजह से जोड़ों का घिस जाना, मे बी गठिया हो सकता है जैसे जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जो बीमारी होती है हमारे शरीर बीमारी होती है इसकी वजह से धीरे धीरे कार्टिलेज घिस जाती है। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब बेसिकली जो सब जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ घिसता है बिना किसी बीमारी के, तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली क्या होता है कि जैसे उम्र बढ़ती है उम्र बढ़ने के साथ में हड्डियों का कमज़ोर होना, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है उम्र के साथ में। वैसे तो जोड़ों के दर्द को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं जोड़ों के दर्द से, और जैसे जब सुबह सो के जागते हैं तो आपको दोनों हाथों की उंगलियों को चलाने में खोलने में दिक्कत होती है, स्टिफनेस रहती है जो कि आधे घंटे से ज़्यादा लास्ट करती है, तो अपने जो हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं उनसे ज़रूर परामर्श करें और जो बीमारी हो उसको आइडेंटिफाई करें और उसको सही तरीके से इलाज कराएं। तो उपचार में बेसिकली जोड़ों के दर्द के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमें तो पहले कारणों को आइडेंटिफाई करना है कि भाई हो क्यों रहा है। पहले कारण आइडेंटिफाई हो जाएगा जो कि हम क्लिनिकल पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट के एग्जामिनेशन करते हैं और अगर हमें ज़रूरत लगती है तो कुछ खून खून की जाँचें या फिर कुछ एक्सरे वगैरह कराते हैं। ये सारी जाँचें कराने के बाद में देखते हैं कि दर्द जोड़ों में क्यों हो रहा है। अगर हमें पता लगता है कि कुछ डायग्नोसिस बनती है तो उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट चलता है। तो अलग अलग बीमारियों के अलग अलग इलाज होते हैं। अब जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि काफ़ी कॉमन है, उसमें क्या होता है कि अलग अलग स्टेजेस होती हैं, हमें स्टेजिंग करनी होती है। अगर इनिशियल स्टेज में है तो मोस्टली एक्सरसाइज हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसी से काम चल जाता है। और अगर एंड स्टेज आ गया, इतना आ गया कि हम डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, एकदम से कई टाइम से खींच रहे हैं, पैर भी बहुत ज़्यादा टेढ़े हो गए हैं, तो उस कंडीशन में सर्जरी करने के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो गठिया मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, ये उम्र से रिलेटेड डिजीज़ है जिसको डिजेनरेटिव डिजीज़ बोलते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी, वैसे वैसे जैसे कोई भी मशीन होती है तो उसके पुर्जे घिसने लग जाते हैं, वैसे हमारे शरीर के भी घुटने होते हैं वो घिसने लग जाते हैं। तो मोस्टली 50-60 प्लस जो लोग होते हैं उनके घुटने की घिसने की शुरुआत हो जाती है। तो कुछ लोगों में ज़्यादा तेज होती है, कुछ में स्लो होती है, तो होता सब में है, किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है। सबसे पहले तो अपने जो हड्डी और जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं उनसे परामर्श लें, एग्जैक्टली क्या बीमारी है उसका डायग्नोसिस बनाएंगे, उसके बाद में उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली हमें स्टेजिंग करनी होती है बीमारी की, कि कौन सी बीमारी कौन से स्टेज में है, उसके हिसाब से आपका इलाज किया जाता है जो कि अच्छे रिजल्ट देता है। रोका तो नहीं जा सकता, हाँ, लेकिन हम कार्टिलेज के क्षतिग्रस्त होने की गति को कम कर सकते हैं। और क्षतिग्रस्त और दूसरे तरीके जिनकी वजह से कार्टिलेज हो सकती है, जैसे कि कई बार फ्रैक्चर्स हो जाते हैं जोड़ के, जिसकी वजह से कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो अगर हम फ्रैक्चर्स ना हो किसी वजह से, हालांकि ये लगभग लगभग अनअवॉइडेबल है, आज के टाइम में साइंस इतनी तरक्की कर रहा है, इतने व्हीकल एक्सीडेंट्स होते हैं, इतने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इन सब की वजह से ऐसा कहना तो लगभग नामुमकिन है कि किसी तरीके से हम ये जोड़ों के फ्रैक्चर को बंद कर सकते हैं। हम जो नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो घुटने की घिसने की दर है उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन 100% रोक नहीं सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि एक डिजेनरेटिव प्रोसेस है।
हम जैसे मैंने बताया कि अगर आपके जोड़ों में लंबे समय से स्टिफनेस रहती है, अकड़न रहती है, दर्द भी रहता है, अगर आपके जोड़ जो है वो टेढ़ापन भी लेके आ रहा है साथ में, जब आप सुबह सो के जागते हैं तो हाथ को चलाने में तकलीफ़ होती है, खासकर आधे घंटे से ज़्यादा आपको हाथ खोलने में दर्द रहता है, अकड़न रहती है, और अगर आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ अगर ऐसा लग रहा है आपको कि वो परेशान कर रही हैं, हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल लेना चाहिए, तो डॉक्टर से सलाह, बल्कि जल्दी लेना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा समय वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल अवेलेबिलिटी भी मेडिकल रिसोर्सेज की है, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी सलाह लेनी चाहिए, और सलाह लेके अपना जो भी है एक आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, उसको ठीक करो, और बाकी अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको शुरू करके रखो। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.